नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, जो हमारे आंसर्स होंगे इस पुस्तक की आंसर की उत्तर कुंजी को आधार मानकर होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से, जो आपसे कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रमुख कार्य में शामिल है। तो दोस्तों, स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तैयार नहीं होती, रिज्यूम टाइपिंग वर्क हम इसमें कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों अर्थात ए और बी दोनों सही प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे क्या कहता है, एमएस वर्ड वर्जन 2007 में यदि आप कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे तो ये क्या ओपन करेगा। दोस्तों, एमएस वर्ड 2007 में कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करने पर यह दोस्तों फाइंड टैब को एक्टिव करते हुए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 3, एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट को मूल रूप से टाइप किए जाने वाले शब्दों को बदलने के लिए डिजाइन किया गया। ऑटो करेक्ट क्यों डिजाइन किया गया था, ताकि हम गलत स्पेलिंग वाले शब्दों को सुधार पाए, पकड़ पाए, सही कर पाए, है ना। इसके लिए इसका डेवलपमेंट किया गया, इसको बनाया गया। प्रश्न क्रमांक 4, एम एस वर्ड 2007 में पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप क्या है। दोस्तों, फोन में भी आपने देखा होगा स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन होता है या पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड होता है। इस प्रकार से आप स्क्रीन को रोटेट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, है ना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में, तो वही सेम चीज है। यह क्या दर्शाता है दोस्तों, यह पेज ओरिएंटेशन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की एम एस वर्ड वर्जन 2007 एवं उसके आगे मैं वाक्य के कैपिटलाइजेशन को टॉगल करने के लिए यूज करते थे। बताएं दोस्तों, 2007 या उससे आगे के एम एस वर्ड वाले वर्जन में किस शॉर्टकट की सहायता से वाक्य के कैपिटलाइजेशन को टॉगल किया जाता है। हम सभी जानते हैं दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 6, एम एस वर्ड में एंड की का उपयोग बताएं, कर्सर को लाइन के अंत में लेकर आता है। प्रश्न क्रमांक 7, एम एस वर्ड में किस व्यू के साथ आप यह देख सकते हैं कि टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स प्रिंटेड पेज पर कैसे दिखेंगे। तो दोस्तों, यह हम पेज लेआउट में देख सकते थे, यहां पर ऑप्शन आउटलाइन ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 8, एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस एन का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, एम एस वर्ड में यह सत्यापित करने के लिए कि नोट टेक्स्ट पेज पर उचित रूप से रखा है, व्यू में करें या डॉक्यूमेंट को प्रिंट व्यू में डिस्प्ले करें। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए कि प्रिंट करने के बाद किस प्रकार से डॉक्यूमेंट पेज पर दिखेगा, हम ऑप्शन नंबर बी प्रिंट का यूज करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में हम डिस्प्ले करते हैं। कहने का मतलब है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रिंट प्रीव्यू में कब देखेंगे डॉक्यूमेंट को, जब आप उसको प्रिंट करना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। इस प्रश्न की भाषा सही तरीके से नहीं जमाई गई है, जिस कारण से समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न क्रमांक 10, एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस पी किस लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ऑप्शन नंबर डी, पी फॉर प्रिंट, इस तरीके से आप याद करें। प्रश्न क्रमांक 11, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में बदलावों की निगरानी के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाना चाहिए। बदलाव की निगरानी आप करना चाहते हैं,
मतलब जो चेंज हो रहे हैं उनको ट्रैक करना चाहते हैं। तो दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है, रिवन माइक्रोसॉफ्ट ने इसे यूजर इंटरफेस के रूप में कब विकसित किया। दोस्तों यहाँ कॉमा होना चाहिए था, मतलब रिवन को माइक्रोसॉफ्ट ने यूजर इंटरफेस के रूप में कब डेवलप किया। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं वर्ष 2007 में इसे डेवलप किया गया, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 13, एमएस वर्ड में यदि आप पेज अप की दबाते हैं तो फिर क्या प्रतिक्रिया होगी। हम सभी जानते हैं दोस्तों पेज अप में कर्सर को एक पेज ऊपर पहुंचा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 14, एम एस वर्ड में थीसोरस टूल का उपयोग किस लिए करते हैं। ध्यान रखें दोस्तों थीसोरस टूल की बात की जा रही है, इसका उपयोग हम दोस्तों समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए करते हैं। थीसोरस टूल का उपयोग समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 15, एम एस वर्ड वर्जन 2007 में थीसोरस के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। दोस्तों हम सभी जानते हैं शिफ्ट प्लस F7 से आप ये गतिविधि कर सकते हैं, इस प्रश्न इस पुस्तक की आंसर की के हिसाब से। प्रश्न क्रमांक 16, एम एस वर्ड में स्पेलिंग टूल खालिस्तान टूल वॉर में होता है। हम सभी जानते हैं रिव्यू टूल वॉर में दोस्तों स्पेलिंग टूल होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 17 है, एम एस वर्ड में जूम आउट कितने प्रतिशत तक किया जा सकता है, मतलब बड़ा करना है आपको, हमने चर्चा की थी 500% तक हम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 18, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी लिस्ट नहीं होती। तो दोस्तों डाटा जैसी लिस्ट कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 19, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की जांच कैसे करते हैं, ऑप्शन नंबर ए F7 से करते हैं। आपको दोस्तों ये सारी शॉर्टकट कीज को ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 20, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट कहां पाया जाता है। तो दोस्तों इंसर्ट कैप्शन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट पाया जाता है, आपको यह बात ध्यान रखनी है। और फिर बात करनी है हमें प्रश्न क्रमांक 21 की, जो आपसे कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। कौन सा है दोस्तों वह विशिष्ट पाठ्य जिसको अंडरलाइन करने के लिए हम करेक्टर फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वह है अंडरलाइन। प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। आपको चार विकल्पों में से बताना है कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो है, एक्सेल भी है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है वर्ड प्रोसेसर नहीं है दोस्तों, मैं ऑफिस की चीजें आपको बता रहा था। तो वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड है, वर्ड परफेक्ट है, वर्ड स्टार नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों, एमएस एक्सेल वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 23, डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिस डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है उसे पढ़ना और फिर गलतियों को ठीक करना, ऑप्शन नंबर ए एडिट करने का मतलब। प्रश्न क्रमांक 24, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए, सारा का सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए मैं चर्चा की थी कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 25, मेल मर्ज किसका एक घटक है, इसकी भी चर्चा की है। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम पढ़ रहे हैं, उसी का घटक होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 26, एम एस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है, कैसे मिटाओगे आप। हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है, टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट की दबा देंगे उससे मिट जाएगा। बैक स्पेस से भी मिटाते हैं, डिलीट की से भी मिटाते हैं, कर्सर के राइट साइड का डिलीट की से, लेफ्ट साइड का करेक्टर बैक स्पेस से मिटता है, डिलीट से हम सेलेक्ट करके एक साथ पूरा भी मिटा सकते हैं। और सेलेक्ट हम करते हैं एक साथ सारा डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस ए से। इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। प्रश्न क्रमांक 27, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए नहीं किया जाता। ध्यान से पढ़ना है, नहीं किया जाता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अल्ट प्लस F4 से वर्ड जो एप्लीकेशन है उसको क्लोज नहीं किया जा सकता, बाकी सबका यूज हम
क्लोज करने के लिए करते हैं। प्रश्न क्रमांक 28, एमएस वर्ड स्क्रीन के रूलर पर क्या उपलब्ध होता है? तो दोस्तों, राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन के रूलर पर उपलब्ध होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही प्रश्न क्रमांक 28 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 29, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स को डिस्प्ले करता है? बताए दोस्तों, एमएस वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज को आप मैनेज करना चाहते हैं तो कौन सा टूल बार बटन को डिस्प्ले करेगा? हम सभी जानते हैं दोस्तों, फॉर्मेटिंग टूल बार, क्योंकि आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट की, है ना, कॉमन सेंस वाली चीजें होती हैं, तो आंसर हम उसके बेस पर भी सही कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 30, वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाना चाहिए? दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है तो फिर यहाँ पर चाहिए नहीं, कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? हम सभी जानते हैं एडिट मेन्यू का यूज हम करते हैं, क्यों? कॉपी पेस्ट कट करने के लिए, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला नंबर है प्रश्न क्रमांक 31 का, जो आपसे कहता है मेन्यू बार में व्यू देखने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग में होगा? सो दोस्तों, इसके लिए हम अल्ट प्लस वी का उपयोग करते हैं, वी फॉर व्यू, आप इस तरीके से लगाएं और आंसर नंबर सी कर दें। प्रश्न क्रमांक 32, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो बताएं दोस्तों, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, या तो कॉपी पेस्ट कर दें या कट पेस्ट कर दें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि आपको पैराग्राफ को ले जाना है, तो उम्मीद है क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें। ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर हम बात करते हैं अब प्रश्न क्रमांक 33 की, वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की को दर्शाता है? प्रश्न क्रमांक 33, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं आउटलाइन व्यू वर्ड प्रोसेसिंग का वह व्यू डॉक्यूमेंट है जो हेडर्स की हायरार्की को दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 34, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होता है। आपको जब कोई नया प्रोजेक्ट चालू करना है तब आपको एक ब्लैंक पेज मिलता है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होता है। कोई भी, जब आप वर्ड पर काम प्रारंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होता है। प्रश्न क्रमांक 35, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए जो भी फाइल क्रिएट की जाती है उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। फिर हमें चर्चा करनी है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 की, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? तो दोस्तों, तस्वीर पेंट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, आकृति ड्रॉ करने के लिए भी नहीं, कहानी टाइप करने के लिए, यस दोस्तों यही काम होता है, ऑप्शन नंबर सी, आय व्यय का हिसाब करने के लिए भी नहीं। प्रश्न क्रमांक 37, वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेन्यू को सिलेक्ट करेगा? बताएं, डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है तो हम किस मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे? तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, फाइल मेन्यू को हमें सिलेक्ट करना होगा। प्रश्न क्रमांक 38, वर्ड में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? यदि हम वर्ड में कॉलम डेटा बनाना चाहते हैं तो हम टैब सेट करें या टेबल मेन्यू का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों, कॉलम बनाना है तो टेबल मेन्यू का उपयोग करना होगा। कॉलम भी दोस्तों टेबल फॉर्मेट में ही बनते हैं, इसलिए। प्रश्न क्रमांक 39, वर्ड में इंसर्शन पॉइंट क्या निर्दिष्ट करता है? वर्ड में इंसर्शन पॉइंट क्या निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों, जहां टेक्स्ट एंटर किया जाए इंसर्शन पॉइंट वह निर्दिष्ट करता है। प्रश्न क्रमांक 40, वर्ड प्रोसेसिंग की उन्नत विशेषताओं में खाली स्थान बनाने के सिवाय सभी शामिल हैं। बताएं दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग की जो विशेषताएं हैं उनमें से इन चार विकल्पों में क्या शामिल नहीं है? प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है। तो दोस्तों, डिटेल आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अलावा बाकी सारी चीज़ें वर्ड प्रोसेसिंग में आसानी से की जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 40 का सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 41 आपसे पूछता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं होता? चार विकल्प हैं, इनमें से तीन विकल्प ऐसे हैं जो फॉर्मेटिंग टूल बार में होते हैं, एक विकल्प ऐसा है जो फॉर्मेटिंग टूल बार में नहीं होता, उसको पहचानना है।
तो दोस्तों स्टाइल, अंडरलाइन, जस्टिफाई ये तो होते हैं, क्लिप आर्ट नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 42, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टैब के समूह में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट विकल्प प्रकट होते हैं। पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में खाली स्थान टैब के खाली स्थान समूह में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट विकल्प मौजूद होते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के फॉन्ट टैब के होम समूह में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट विकल्प मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 42 का सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 43 आपसे कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा वाई डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार कितना है। दोस्तों वाई डिफॉल्ट आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी 8 है फॉन्ट का आकार, वाई डिफॉल्ट सबसे छोटा। प्रश्न क्रमांक 44, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए किस कुंजी को दबाना होता है। तो दोस्तों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, टैब को दबाना होता है। प्रश्न क्रमांक 45, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पैराग्राफ में कहीं भी एक साथ तीन बार क्लिक करें और संपूर्ण खाली स्थान चयनित होगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो पूरा पैराग्राफ चयनित हो जाएगा, तीन बार एक साथ आप क्लिक करते हैं तो संपूर्ण पैराग्राफ चयनित हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 46, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बहुत पहले हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा की हुई थी। अब वो सारी बातें आपके काम आ रही होगी यदि आपने हमारी उन चर्चाओं में अपनी भागीदारी दर्ज की है। तो प्रश्न क्रमांक 47 आपसे कह रहा है एमएस ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एमएस वर्ड की, क्योंकि इसका काम भी वर्ड से संबंधित है। नोटपैड भी दोस्तों लिखने, नोट बनाने, इन सब का काम करता है, नोट्स बनाने। नोट वो मनी वाले नोट की बात मैंने नहीं की, नहीं तो आप बोले नोटपैड से नोट बनते हैं तो फिर जॉब की आवश्यकता नहीं। नहीं दोस्तों, नोटपैड और वर्ड पैड वर्ड से संबंधित अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए प्रश्न क्रमांक 47 का आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। प्रश्न क्रमांक 48, कॉपी और पेस्ट ऑपरेशंस के माध्यम से डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। दोस्तों बहुत विस्तार से ठहर कर हमने वीडियो सीरीज में चर्चा की है पिछले वीडियो में। ऑप्शन नंबर बी क्लिपबोर्ड के बारे में, क्लिपबोर्ड का उपयोग करते हैं कॉपी पेस्ट करने के बीच में पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए। क्लिपबोर्ड क्या है दोस्तों, मेमोरी है एक। प्रश्न क्रमांक 49 आपसे बोल रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को नई फाइल के रूप में सेव करता है। कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को नई फाइल के रूप में सेव करता है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों सेव एज, ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 49 का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। दोस्तों वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है दोस्तों। अभी हमने चर्चा करी एमएस वर्ड का एक उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का स्प्रेडशीट वर्ड प्रोसेसर भी उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। प्रश्न क्रमांक 51, वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है, क्या किस प्रकार का है, स्पष्ट रूप से नहीं पूछा गया फिर भी हम आंसर करेंगे। दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो MP3 क्या है, फोल्डर नहीं है, टेम्पलेट भी नहीं, आइकॉन भी नहीं दोस्तों, ये फाइल हैं। वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, PDF फाइल, समझ रहे हैं बात को, ये फाइल हैं। प्रश्न क्रमांक 52, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर में उपयोग किया जाता है। दोस्तों वर्ड प्रोसेसर में हम पेज मेकर का उपयोग भी करते हैं, वर्ड स्टार का उपयोग भी करते हैं, एमएस वर्ड का उपयोग भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सभी का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 53 क्या बोल रहा है, वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या होता है, तब ये होता है कि टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है पैराग्राफ, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 53 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 54 दोस्तों UPPCS में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 54, वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स कर सकते हैं, कैसे करेंगे पेज ब्रेक फोर्स। तो दोस्तों कर्सर को उच्च स्थान पर रखकर और कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके हम ऐसा कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 55,
चेंज केस में कौन सा विकल्प मौजूद होता है? तो दोस्तों चेंज केस में सेंटेंस केस, कैपिटलाइज्ड केस, कैपिटलाइज केस सॉरी कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस, दोस्तों तीनों होते हैं। तीनों के मतलब आपको मैं बताने हैं किस प्रकार से काम करते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत विस्तार से हमने चर्चा की थी सेंटेंस केस में किस प्रकार से चीज़ें घटित होती है, प्रॉपर तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग होती है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, टॉगल केस में तो दिख ही रहा है दोस्तों उसमें क्या हो रहा होगा स्पष्ट रूप से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों तीनों चीज़ें होती हैं, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 55 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 56, किस डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में दिखने वाले फीका सा चित्र, किसी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में दिखने वाला फीका सा चित्र या टेक्स्ट क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं वाटर मार्क, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 56 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 57 और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न आपसे कहता है पांच विकल्पों के साथ निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू ही कहते हैं? हम सभी जानते हैं पॉपअप मेन्यू को दोस्तों हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 57 का सही जवाब है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने एमएस वर्ड के भी सारे के सारे प्रश्नों को हल कर लिया। अगले वीडियो से हमें शुरू करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। यदि आपको हमारी इन वीडियोस से आपके एग्जाम की तैयारी में आपको किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जो आपकी ही तरह अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज का लाभ ले पाए। और लगातार मेहनत तो आपको करनी ही है, आपको अपने एग्जाम में सेलेक्ट होना है, तो दोस्तों इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुके जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।